उत्तराखंड में एक बार फिर से चार धाम यात्रा सुचारू होने के बाद चारों धाम में यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। अकेले केदारनाथ में 10,000 के करीब यात्री बाबा केदार के दर्शन के लिए रोज पहुंच रहे हैं। इसी तरह गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ में भी श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि 17-18 अक्टूबर को आई भारी बारिश के बाद यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई थी, लेकिन 22 अक्टूबर से यात्रा मार्ग खुल जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू हो गई। ऐसे में चारों धाम में यात्रियों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। यात्रा के लिए बहुत कम समय बचा है, इसलिए यात्री देश के कोने कोने से चारों धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारों धाम में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि फिलहाल यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की हैं। सभी सड़कों को खोल दिया गया है, अब यात्री सुगमता के साथ चार धाम यात्रा पर आ सकते हैं। सतपाल महाराज ने कहा कि यात्रियों ने सरकार के प्रति भरोसा जताया है। हाँ, केदारनाथ पे काफी क्राउड देखा गया, हेली सेवाओं सहित जो है वहाँ 10,885 के करीब जो है लोग थे, तो काफ़ी संख्या में लोग वहाँ उपस्थित थे। और बद्रीनाथ के अंदर 2,830 की संख्या रही, गंगोत्री में 1,400 की संख्या रही, यमुनोत्री के अंदर 1,593 की संख्या रही। और आज की जो सूचना हमारे पास है, बद्रीनाथ के अंदर 5,000 व्यक्तियों की है, केदारनाथ में 4,000 व्यक्तियों की है, गंगोत्री में 1,200 व्यक्तियों की है, यमुनोत्री में 1,500 व्यक्तियों की है। ये सितंबर से लेकर के और 23 अक्टूबर तक की जो चार धाम की यात्रा है, इसमें लगभग 2,60,000 यात्री वहां पहुंचे हैं। और इस आपदा के समय में भी जो अतिवृष्टि हुई है, काफ़ी सड़कें टूटी हैं, काफ़ी मार्ग जो हैं क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसके उपरांत भी चार धाम यात्रा चालू है। हमने सड़कों को ठीक कर दिया है और जो भी सड़कें टूट गई थी उनकी मरम्मत की है। दिन रात हमारे JCB चले हैं, लोगों ने काम किया है और चार धाम यात्रा आज जो है पूरी तरीके से संचालित हो रही है। मैं ये भी धन्यवाद दूंगा जनता को, पर्यटकों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सरकार के प्रति अपना विश्वास जताया है और इस आपदा काल के अंदर भी यात्रा निरंतर चल रही है। ये अपने आप में लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा हुआ है कि सरकार आपदा की घड़ी में हमारे साथ खड़ी हुई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमें पूर्व सूचना दे दी थी, जो भी वेदर फोरकास्ट था वो पहले हमें बता दिया था कि इस प्रकार की भीषण आपदा आने वाली है, इसलिए हम सजग हो गए। इसलिए आपने देखा होगा कि चार धाम के जो भी पर्यटक आए हैं, यात्री आए हैं, कोई भी हताहत नहीं हुआ है।